आज हम बनाने जा रहे हैं मेरी मॉम की एक बड़ी स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है पनीर टिक्का रोल। तो चलिए बनाते हैं इसको। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर रोल। सबसे पहले पनीर को दही में मैरिनेट कर लें, उसमें थोड़ा सा नींबू, दही, गरम मसाला, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाल दें। इसको एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। अब एक फ्राइंग पैन लेते हैं और इसमें थोड़ा सा ग्राउंड नट ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा काफ़ी है इसमें। अब इसमें मैरिनेटेड करा हुआ पनीर हम डालेंगे। चलिए आइए डालते हैं इसमें पनीर। और ये गया हमारा पहला पीस, फिर ये बड़ा दूसरा पीस। अब जितनी देर हमारा पनीर सिक रहा है, इसको हमें मेक श्योर करना है कि हमारा पनीर दोनों तरफ से सिक जाए और अच्छा करारा सिक जाए, ताकि खाने में उतना ही मज़ा आए। अब जितनी देर ये सिकता है, उतनी देर हम रोटी का तैयारी कर लेते हैं। और ये गया साइड में, इसकी गैस छोटी हो गई, हल्की गैस पे जलता है इसको। इतनी देर हम दो गोले रोटी के बना लेते हैं। दो रोटियों को हम बेसिकली एक साथ सेकेंगे और इसके बीच में घी लगा लेंगे, ताकि हम उनको एक साथ सेक कर खोल लें और वो पतली पतली दो रोटियां बन जाएं। तो हम ये रोटियां बेल लेते हैं। हम अब बिली हुई रोटियों के बीच में हम घी लगा रहे हैं, ताकि ये आपस में चिपके ना। थोड़ा घी काफी है। इस पे थोड़ा सा और आटा लगा लीजिए और इन दोनों रोटियों को साथ में कर लीजिए। अब इनको हम साथ में बेल कर एक साथ पकाएंगे और बाद में इनको हम खोल लेंगे। ये गई हमारी रोटी तवे पे, साथ साथ पीछे हमारा पनीर भी सिक रहा है और अच्छा दोनों तरफ से हम इसको सेक लेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और एक हेल्दी रेसिपी है। जब आपके घर पे कोई गेस्ट आए, कुछ भी आए, या आपको कभी कोई स्नैक बनाने का मन करे हेल्थ जो कि हेल्दी भी हो, तो आप इसको कभी भी ट्राई कर सकते हो। अब अपनी सिकी हुई रोटी को हम खोल लेते हैं। हमारे पास दो रोटियाँ हो गई दो रोल के लिए। इस पर जो मैरिनेट करा हुआ दही था उनको लगा लेते हैं। हम अच्छी तरह से थोड़ा दही लेकर दोनों रोटियों पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं, ताकि ये अच्छा जूसी लगे इससे। अब एक अंडे के बाद हम इस पे जो पनीर है पनीर लगा लेंगे। अच्छा सिका हुआ, दोनों तरफ से सिका हुआ पनीर हम इसके ऊपर लंबा लंबा करके लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर हम शिमला मिर्च और टमाटर कटा हुआ, लंबा लंबा टमाटर कटा हुआ और लंबा लंबा शिमला मिर्च कटी हुई लगा लेते हैं, ताकि अच्छा हेल्दी रोल बन जाए और वेजिटेबल से इसमें थोड़ा और नींबू आ जाए। इसके ऊपर हम थोड़ा चाट मसाला डाल देते हैं, ताकि थोड़ा टैंगी फ्लेवर अच्छा आ जाए इसमें। करने के बाद हम रोल को रोल कर लेते हैं ढंग से और ये आपकी गर्मा गर्म पनीर रोल रेडी है। ईजी टू डू, ईजी स्नैक, बनाइए खाइए कभी भी करिए। तो ये वीडियो पसंद आई हो, ये बड़ी क्विक इजी टू मेक रेसिपी है जो आप घर पे कभी भी बना सकते हैं। एक हेल्दी प्रोटीन रिच पनीर टिक्का रोल है ये। और कोई भी आपके पास कंसर्न या क्वेश्चन है, प्लीज़ हमें बताइएगा।